SN Live सच सबसे आगे। बड़हरिया मदरसा के बच्चों को दिया गया कोरोना रोधी टीका। कोरोना कहर कम हुआ है, कोरोना संक्रमण पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इस बीच राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में कोरोना टेस्ट व कोविड 19 टीकाकरण जोर शोर से जारी है। इसके तहत बड़हरिया प्रखंड के मदरसा दारुल उलूम कादरिया महबूब छापरा के बच्चों को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रभात कुमार, अकाउंटेंट सुभाष चंद्र महतो, LT प्रभात उपाध्याय की उपस्थिति में कोरोना रोधी टीकाकरण किया गया। इस मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि किसी भी महामारी से बचाव का सरल व सहज उपाय टीकाकरण है। उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों का किसी महामारी से संक्रमित हो जाने पर उस बड़ी संख्या के मरीजों का इलाज करने पर स्वास्थ्य संस्थाओं पर अतिरिक्त भार पड़ता है। इस मौके पर प्रखंड के महबूब छपरा अवस्थित मदरसा के 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कोविड 19 टीकाकरण अभियान के तहत कोरोना की दूसरी डोज दी गई। फार्मासिस्ट फयाज आलम, GNM शकील अहमद, मदरसा के सचिव सह पूर्व उप प्रमुख फहीम आलम, अध्यक्ष शमशाद अली, कारी अब्दुल कलाम आदि मौजूद थे। SN लाइव से परवेज अख्तर की रिपोर्ट। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।